वास्तु प्रेमियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा एक प्रमुख कार्य से आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा। पिता का जो शीर्षक है, 100 गुनी आपकी आय, यानी कि हम हमारी आय को कहाँ तक अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई इसमें। देखिए, जब आय घट जाती है तो आदमी बड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। दोनों ही स्तुतियों का इस कविता में वर्णन किया है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आय आपकी जब घटे, घट घट में दुख होए, खुल्लम खुल्ला सब हंसे, छिप छिप कर सब रोए, छिप छिप कर सब रोए, करो मिलजुल एक काम, दौड़े धन धन नाट ले तेरे घर विश्राम, कैवाणी कविराज जल की टंकियां बनाए, जहां नेरी तिकोण 100 गुनी आपकी आए। कविता इस कुंडली काव्य के माध्यम से वाणी कविराज आपको बताना चाहते हैं कि आय आपकी जब घटे, घट घट में दुख होई। अगर किसी आदमी की, किसी इंसान की इनकम घटती जाती है, लगातार घटती जा रही है, तो उनको बहुत दुख होता है। जो उससे जुड़े हुए हैं, उस परिवार के जो मेंबर हैं, उनको भी दुख होता है। जैसे पत्नी है, बच्चे बच्ची हैं, पिता है, जो भी परिवार के फैमिली मेंबर, उन सभी को दुख होता है। तो आय आपकी जब घटे, घट घट में दुख होए, खुल्लम खुल्ला सब हंसे, छिप छिप कर सब रोए। बाजार में, मित्रों में, यार दोस्तों में, कंपनी में, जहाँ हमारा संपर्क है, वैसे लोग हंसते मुस्कुराते हुए, अब हंसते खुल्लम खुल्ला हंसते हुए गले मिलते, बातें करते, सब कुछ है, लेकिन छिप छिप कर सब रोए। अकेले में सभी को बड़ा पछतावा होता है, आत्मग्लानि होती है, बड़े मन में नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिविटी एकदम धीरे धीरे रफ्तार रफ्तार बढ़ती जाती है, सभी स्थितियां बड़ी विचित्र बन जाती है। छिप छिप कर सब रोए, करो मिलजुल एक काम, इस सामूहिक समस्या का, इस बड़ी समस्या का निराकरण के लिए आपको एक कार्य करना है। वो कार्य क्या हो सकता है और उससे क्या परिणाम आपको मिलेंगे? परिणाम ये निकलेगा, दौड़े धन धन नाट ले तेरे घर विश्राम। धन, लक्ष्मी, पैसा, जिसको करेंसी बोलते हैं, वो इतनी तेजी से दौड़ता हुआ आएगा और आप ही के घर में आकर के वो विश्राम करेगा। ऐसा योग कैसे बनता है? देखिए, दौड़े धन धन नाट ले तेरे घर विश्राम, कह वाणी कविराज जल की टंकियां बनाए, जहां नैऋत्य कोण 100 गुनी आपकी आए। वाणी कविराज आपको सुझाव देना चाहते हैं कि जल की जो टंकियां बनाई जाती है, वो अगर घर के किसी ऐसे जगह पे आपने बना रखी है जिससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे आपके अच्छे दिन इतना नहीं रहे और बुरे दिन आ गए, अगर कभी कभी पानी की टंकी आपने अग्नि कोणे पे बना दी या पानी की टंकी आपने ईशान कोणे पे बना दी, इससे लाभ नहीं मिलते हैं, इससे हमको हानि होती है, इससे हमको घाटा होता है, अपयश मिलता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? जहाँ मकान का नैऋत्य कोण होता है, जहाँ आपका भवन छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन नैऋत्य कोणा, यानी कि दक्षिण और पश्चिम का जो कोणा बनता है, उस नैऋत्य कोणे पे आपको जल की टंकी का निर्माण करना चाहिए। अगर पहले से ही आपने टंकी वहाँ बना रखी है, देन वेरी गुड, पास में अगर गुंजाइश है, जगह है, तो एक टंकी और बना लें। और अगर नई टंकी बनाने की संभावना नहीं है, तो उस टंकी के अंदर ही आप इस प्रकार का वर्टिकल क्रॉस, इस प्रकार पार्टीशन बना करके उसकी संख्या बढ़ा दें। 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6, 8, जैसे टंकी की कैपेसिटी है, और उनको आपस में ऐसा होल बना करके इंटरकनेक्ट कर दें। तो ये असाधारण सा काम है, कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन इसके परिणाम बड़े अच्छे निकलते हैं। तो वाणी कविराज कहते हैं, जल की टंकियाँ बनाए, जहाँ नैऋत्य कोण 100 गुनी आपकी आय निरंतर बढ़ती रहेगी और आप अच्छा अनुभव करेंगे। नैऋत्य कोण के अंदर जब आप टंकियाँ बनाते हैं, यदि आप पहले से निर्माण कर रहे हैं, पहली बार निर्माण कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि टंकी के ऊपर का जो टॉप बनेगा, उसको आप ऐसे प्लेन नहीं रखें,
उसको पिरामिड का शेप देते हैं, इस प्रकार का पिरामिड का शेप होता है, तो वैसा शेप आपको देना चाहिए जिससे ऊपर से जो अध्यात्म की किरणें आती है, अध्यात्म की वेव्स आती है, वो पानी के माध्यम से पानी में डिजोल्व होकर के वो आपके परिवार को प्रसन्नता, नई खुशी और अध्यात्म और अच्छा स्वास्थ्य देती रहेगी। ये आप इस प्रकार लाभ उठाएं।